खत्म लखनऊ का, जहां प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का तीसरा दिन है। प्रियंका दौरे के तीसरे दिन जाएंगे अयोध्या, नुक्कड़ सभाओं को करेंगे संबोधित और प्रियंका रामलला से भी दूरी बनाती हुई दिखाई देंगे। प्रियंका रामलला के दर्शन नहीं करेंगी। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। इससे पहले अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी जो है अमेठी दौरा भी कर चुकी हैं और अब वहीं अयोध्या दौरे पर प्रियंका गांधी नजर आ रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश शेखर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ जानकारी प्रियंका गांधी के तीसरे दिन के दौरे को लेकर? प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो है ये आज अयोध्या के लिए निकलेंगी और करीब 8-9 जगह, मतलब 8-9 जगह होते हुए ही अयोध्या पहुंचेंगी। हनुमानगढ़ी में जो है शाम को दर्शन करेंगी और दर्शन करने के बाद शाम को लखनऊ में वापसी है। जो इनका रूट है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो शुरुआत होगी इनकी यात्रा की वो 11 बजे सवेरे से कुमारगंज से शुरू होगी जो जेरियम मोड़ पे है, और उसके बाद सिंहौना जाएंगी, तीसरे पे जो है ये हरदोइया जाएंगी, पांचवा इनका चौथा आदिलपुर है, पांचवा इनका नौवा कुआं है, छठे में जो है ये सनबीम स्कूल के पास में पहुंचेंगी, वहां पे छात्रों से संवाद कार्यक्रम है इनका। सातवें पे जो है ये नवीन मंडी चौराहा पहुंचेंगी, यहाँ से वो नाका चुंगी और नाका हनुमानगढ़ी मकबरा फ्लाईओवर के रास्ते बकायदे पहुंचेंगी वहां पे रीढ़गंज चौराहे पे, और वहां पे स्वागत किया जाएगा इनका गुलशन किन्नर की तरफ से जो है, और करीब जो आखिरी पड़ाव इनका है वो नवा स्थान वो है हनुमानगढ़ी अयोध्या। ये यात्रा लगभग करीब 5:30 बजे शाम को खत्म होनी है और वहां से इनका सीधे लखनऊ वापसी है। जी प्रीति, आकाश, जिस तरीके से प्रियंका गांधी का ये दौरा चल रहा है, साफ तौर पर प्रियंका पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी अब धर्म की राजनीति कर रही हैं। अयोध्या दौरे को लेकर भी कितना विवाद हुआ? देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण के हिसाब से जातिवाद पे चुनाव होता है, तो जाहिर सी बात है कोई भी नेता हो, चाहे वो प्रियंका गांधी क्यों ना हो, वो नफ्स टटोल करके जो है उसी के सहारे जो है चलना चाहती है। तो मतलब एकदम क्लियर है कि जहाँ एक तरफ सारे नेता जब अपना जातिवाद को लेकर के बढ़ावा दे रहे हैं तो क्यों ना प्रियंका गांधी उस राह पे चलकर आगे बढ़े। अब वो अलग बात है कि प्रियंका गांधी के आने से और उनके सुझाए हुए कैंडिडेट्स को उतारने से और फिर राहुल गांधी के जो है न्यूनतम आय के जो घोषणा करने वाली बात को लेकर के बीजेपी को कहीं ना कहीं परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन रुक के देखने वाली बात ये होगी कि जब 4 अप्रैल को जो तय हुआ है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होगा, उस मैनिफेस्टो में क्या चीजें होती हैं और उसमें न्यूनतम आय से रिलेटेड चीजें पड़ती हैं कि नहीं पड़ती हैं, ये सभी को इंतजार है। और इसके बाद आगे की रणनीति भी तैयार होगी क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से न्यूनतम आय को लेकर के ही आगे बढ़ना चाह रही है उसी दिशा में। जी आकाश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।